हे गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आज मैं आया हूँ नेशनल जियोलॉजिकल पार्क में, यानी चिड़ियाघर में। तो चलते हैं, दिखाता हूँ आपको चिड़ियाघर कैसा है। जैसे ही आप चिड़ियाघर में अंदर प्रवेश करेंगे तो सामने कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए अंदर जाना होता है। थोड़ा सा और आगे आने पर दो रास्ते मिलते हैं। जंगल के किनारे किनारे कुछ ऐसी ग्रिल लगी हुई है ताकि कोई अंदर का जानवर बाहर इधर रोड पे ना आ जाए, जहाँ पे पर्यटक लोग घूमते हैं। मेन रास्ते के किनारे किनारे ऐसे बैठने के लिए चेयर्स हैं यहाँ पे। इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सा जल्दी चला आया था क्योंकि यहाँ पे दोपहर हो जाती है तो बहुत धूप हो जाता है, तो मैंने सोचा थोड़ा सा जल्दी चलता हूँ ताकि 11-12 बजे तक यहाँ से चला भी जाऊँगा। इस समय ज़्यादा पर्यटक दिखाई नहीं दे रहे हैं। मेरे सामने इतने ज़्यादा रास्ते खुल जा रहे हैं कि पता नहीं चल रहा किधर जाऊँ। इस समय कुछ जानवर मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इनको तो हमारे यहाँ लोकल भाषा में नीलगाय कहती है। आप लोगों को क्या कहते हैं इसको कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा और आगे चलने पर ढेर सारी हरियाली देखने को मिली है और इधर बैठने के लिए भी बनाया गया है। पास चल के देखते हैं कैसा है। वाह, चलो चलते हैं, ये तो देख लिया। और आगे सामने एक मोर नज़र आ रहा है। थोड़ा सा और आगे चलने पर और कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं मुझको, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। रास्ते के किनारे किनारे ही ये नहर बनी हुई है ताकि कोई जंगली जानवर उधर से फांद के मेन रास्ते पे ना आ जाए। मुझे लगता है शायद इसीलिए बनाया गया होगा। और बाकी यहाँ का मौसम बहुत सुहाना है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। आप लोग देखिए, सामने ही एक बाग बना हुआ है। इधर आगे का सीन कुछ ऐसा है, एक पार्क काफ़ी बड़ा बना है। और अब हम यहाँ से आगे निकलते हैं। इस जानवर के विषय में बताया गया है। और फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा ये पार्क है तो यही समझ में नहीं आता किधर जाओ। यहाँ ढेर सारे पक्षी बैठे हुए हैं, आप लोग देखिए कौन से पक्षी हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जूम करके दिखाता हूँ, कमेंट करके बताना ये कौन सा पक्षी है। बड़ा है। अब क्या होता है कि थोड़ा अगर हम फिक्स टाइम पे ड्यूटी है, फिक्स टाइम पे ही एकदम आए तो थोड़ा ही हो जाता है, जानवर खुल जाते हैं। इस जानवर को दरियाई घोड़ा कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हिप्पोपोटामस कहते हैं। आप लोग देख लीजिए, काफ़ी बड़ा जानवर होता है। ऐसा और आगे चलने पर मुझे एक वॉशरूम नज़र आ रहा है, मतलब चिड़ियाघर के अंदर इसकी भी सुविधा है। चिड़ियाघर में आपको जगह जगह मोर नज़र आ जाएंगे। यहाँ पर आपको नीले पीले तोता नज़र आ जाएंगे। आप लोग पहचान के कमेंट करना ये कौन सा पक्षी है। यह अफ्रीकी धूसर तोता है।
सामने एक छोटी सी गिलहरी नज़र आ रही है। पक्षियों को पानी पीने के लिए अंदर गागर रखी गई है। आप लोग देखिए इधर अपना तोता है, ये तोता तो हर जगह लगभग लगभग मिल जाता है। इस तोते का नाम हीरा मन तोता है। इसकी पूंछ नॉर्मल तोते से थोड़ी सी लंबी होती है। वो सामने सिल्वर फिजेंट बैठा है। ये सफ़ेद मोर है, आपने शायद ही कभी देखा हो। तो पक्षियों को देखने के बाद अब आगे निकलते हैं। ये सामने उल्लू है, कभी आपने इतना बड़ा उल्लू देखा है? यहाँ सामने आप देख रहे हैं ये जंगली सुअर है। की हाथी कहा जाता है। अभी ये अंदर है। ये सफेद मृग है। इसके अंदर वो सामने मगरमच्छ है। अभी सारा शरीर पानी के अंदर किए है, सिर्फ सर दिख रहा है। वो सामने शेर है। इस जानवर को चिंकारा कहते हैं। काफी छोटा छोटा सा है। इधर भी हैं दो चार, घूम रहे हैं। चिड़ियाघर काफी बड़ा है, तो घूमते घूमते थकान सी लग गई है। अब तो अब देखते हैं निकलने का रास्ता कहाँ है, चलते हैं बाहर। और रास्ते में अगर कुछ मिलता है तो ज़रूर दिखाऊंगा। ये रास्ते में सामने सफ़ेद बाघ दिखाई दिए है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ
और आप लोग बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करना। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग पे।